मॉर्निंग में हूँ शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है, नाहिदा कादरी अटेम्प्ट सुसाइड। उसी पे असदुद्दीन ओवैसी रीट्वीट करते हैं और पुलिस जो है एक्शन में आ जाती है। लेकिन अफसोस की बात है, जब अवाम के साथ जुल्म हो रहा था, अवाम पे चालान थोपे जा रहे थे, गाड़ियां सीज की जा रही थी, तब एक भी ट्वीट असदुद्दीन ओवैसी नहीं करे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लोगो चेंज हुआ, असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट नहीं करे। नेकलेस रोड का नाम चेंज हुआ, असदुद्दीन ओवैसी तब भी ट्वीट नहीं करे। रोज एक मर्डर हो रहा, रोज एक रेप हो रहा, असदुद्दीन ओवैसी उस पर भी ट्वीट नहीं कर रहे। यूपी में कुछ हो, महाराष्ट्र में कुछ हो, असदुद्दीन ओवैसी उस पर बोल रहे हैं। पहले ही कोरोना की लपट से लोग संभले नहीं, उसके बाद फ्लड आया। फ्लड के वक्त केसीआर जी वादा करे 10,000 रुपये, 50,000 रुपये और 1,00,000 रुपये आवाम को देंगे। कुछ ही लोगों को 10,000 रुपये मिले और 50,000 रुपये और 1,00,000 की बात तो हवा में ही थी। लेकिन हमारे असदुद्दीन ओवैसी जी उस पर भी कुछ नहीं बोले। कम से कम एक बार तो ट्वीट किया होता आपने हैदराबाद की आवाम के लिए, गवर्नमेंट को, केसीआर को, सबको एक्शन में लाया होता। असदुद्दीन ओवैसी खामोशी छोड़ दीजिए, चुप्पी छोड़ दीजिए और ट्वीट करना शुरू कीजिए। गवर्नमेंट को, पुलिस वालों को एक्शन में लाइए। शुक्रिया।